मशफी से 6.3 में पांचवा सवाल देखते हैं। मुसलस डी ई एफ बनाइए जिसमें डी ई मसावी ई एफ मसावी छः सब। मुसलस के दो अजला मुतमासिल हैं, मतलब ये मुतसावी साकाय मुसलस होगा, लेकिन जिसमें से जाविया एफ मसावी 45, एक जाविया 45 का दिया हुआ है। तो हम लोग जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जरा जाविया डी ई जिला डी ई मसावी है ई एफ के, इसलिए क्या हो जाएगा उसके कायदे पर के जाविया मुतमासिल होंगे। तो एक तो जाविया डी एफ ई मसावी जाविया ई डी एफ मसावी 45 का, मतलब जाविया एफ तो 45 दिया हुआ है हम लोगों को, इसलिए मतलब ये जाविया एफ ये सवाल में दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा जाविया डी जो रहेगा वो भी 45 का। बचा कौन सा, जाविया ई 45-45 जो हो गए 90 हो गए, और मुसलस के तीनों जाविया के पैमाइश का मजमू 180 होता है, तो जाविया ई जो रहेगा क्या रहेगा 90 दर्जे का। इस तरह से इसको हल करके हम लोग जो है समझ में आता है हम लोगों को, क्या बात समझ में आ गई कि मुसलस के मुसलस जो है कायमतु जाविया मुतसावी साकाइन मुसलस है, जिसके एक जाविये के पैमाइश जो है 45 है और दूसरे जाविये के पैमाइश भी 45 है और तीसरे जाविये के पैमाइश 90 दर्जे है। तो हम लोगों को कायमतु जाविया मुतसावी साकाइन मुसलस बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग छः सम का एक कता बनाएंगे जो कि रहेगा ई एफ। कता ई एफ जो रहेगा छः सम का बना लेते पहले, ये कता ई एफ बना लिया छः सम का। छः सम का कता ई एफ बना लेते और उसके बाद एक जाविया है, एक जाविया कितने दर्जे का बनाना है 45 दर्जे का और एक 90 का। तो ये बना लिया मैं, ई एफ बनाया हूँ। ई एफ के अंदर से जाविया ई हम लोग ने वहाँ से मालूम कर लिए थे कि जाविया ई जो है 90 दर्जे का होता है और जाविया एफ जो है 45 दर्जे का है, 10 20 30 40 और ये 45। अब क्या करेंगे हम लोग, हम लोग जो है छुआ खींच लेंगे, एक छुआ खींचेंगे, दो छुआ खींच लेते। एक तो छुआ रहेगी हम लोगों की ये 90 वाली, ये एक 90 का जाविया बनाती हुई और एक 45 का जाविया बनाती हुई। आप कभी हम लोग इसको नाप कर देखे ना, इसकी पैमाइश करके देखे कभी, ये हम लोगों का 6 सम का है, ये जिला जो है 6 सम का है और दूसरा जिला जो है वो भी 6 सम का आएगा। देखो किस तरह से आएगा वो 6 सम का, ये 6 सम का पैमाइश कर चुके थे हम लोग इसकी, और दूसरे जिला जो है यहाँ पे ये 6 सम पे एक कॉस बना लेना। ये कॉस बन जाता है तो वो जिले की लंबाई भी हम लोगों को मालूम हो जाती है और जाविया भी 90 का था। इस तरह से हम लोगों का ये एक मुसलस बन गया। मुसलस को कभी नामजद करना चाहे तो नामजद कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। एक तो ये जो है ई है और ये एफ है
और ये नुक्ता जो आया डी आया। अब क्या करते हैं, दो जिले की क्या बनाना है हम लोगों को, हम लोगों को बनाना है दाखिली दायरा, सॉरी हायत दायरा बनाना है। हायत दायरे के लिए दो जिले की तंसीफ करेंगे। दो जिले की तंसीफ करने का उसूल क्या है कि किसी जैसे ईएफ की तंसीफ करेंगे हम लोग जब, तो ईएफ का आधे से ज्यादा फासला ले लेने का, जिस जिले की भी तंसीफ करना उसका आधे से ज्यादा फासला ले लेंगे, और जिस कता की तंसीफ करना है उसका आधे से ज्यादा फासला लेके, कता के दो इख्तितामी नुक्ते हैं, एक ई है और एक एफ है। तो एक बार परकार की नोक जो है ई पे रख कर, परकार की नोक ई पे रख कर एक कॉस खींचेंगे, एक कॉस इधर खींचेंगे और वही फासला कायम रखते हुए एक कॉस नीचे खींचेंगे, मतलब कता के मुखालिफ जानिब फासला कायम रखते हुए परकार हटा के परकार की नोक एफ पर रखेंगे और जो कॉस खींचे थे उसको कता कर देंगे, इसको कता कर दिए और दूसरा कॉस जो था, दूसरा कॉस यहाँ था, इसको कता कर देंगे। कता करने के बाद परकार हटा लेंगे और स्केल से, ये स्केल रख कर एक लाइन खींच लेंगे हम लोग इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से लाइन खींचेंगे के बहुत ज्यादा केयरफुली करना पड़ता है इसको, है ना। इस तरह से लाइन खींच लेंगे पूरी नीचे तक कर, ठीक है। उसके बाद दूसरे जिले की तंसीफ करेंगे। दूसरा जिला लेता हूं मैं डी, परकार लूंगा, परकार की नोक जो है ई पर रखूंगा, फासला वही रखना और दो कॉस बनाएंगे, एक कॉस जो है इस तरफ बनेगा और दूसरा कॉस जो है दूसरी तरफ बनाना, परकार में फासला कायम रखते हुए परकार के नोक ऊपर रखना, डी पे जो दोनों कौशन बनाए थे उन दोनों कौशन को कटा कर देंगे, और वहां से दोनों कौशन जो एक दूसरे को जिस नुक्ते पर कटा करेंगे वहां से दोनों कौशन को मिलाता हुआ एक शोवा खींच देंगे, तो तंसीफ हो जाएगी और ये नुक्ता जो है वितरक वस्ती नुक्ता ही आएगा, इस चीज को जरा जहन में रखना। परकार लेंगे, परकार में परकार के नोक जो है दोनों उमूदी नासिब को, दोनों उमूदी नासिब एक दूसरे को जिस नुक्ते पर कता करे हैं उस नुक्ते पर रखेंगे और एक दायरा बनाएंगे। दायरा किस तरह से बनेगा जरा देखो, इस तरह से रखने के बाद परकार में रास तक का फासला लेने का, एक रास तक का और एक दायरा बनाने का, इस तरह से एक हायत दायरा बन जाएगा और निस्प कुत्र जो रहेगा हम लोगों का, निस्प कुत्र किसको बताएंगे हम लोग जरा ध्यान से देखो, निस्प कुत्र जो रहेगा इस ये मरकज से
मरकज से और रास तक का एक फासला ले लेंगे इस तरह से, ये जो रहेगा ये निष्प कुत्र रहेगा, इसकी पैमाइश करके हम लोग लिख लेंगे कभी। तो हम लोगों का एक कायमतुज़ाविया मुतसावी साकाइन मुसलस का हाय दायरे का निष्प कुत्र हम लोग मालूम कर लेंगे। लेकिन एक शर्त यहाँ पे ये भी याद रखना, हम लोग इससे पहले पढ़े कि कायमतुज़ाविया मुसलस में जाविया कायमा बनाने वाले रास का, जाविया कायमा बनाने वाले अजला के वस्ती नुकात जो है उसके वस्ती नुकात और उसकी लंबाई वित्र का निष्प होती, वित्र का निष्प करेंगे तो दोनों का अजला का मजमू करके उसका निष्प कर देंगे। ये हम लोग एक खसूसियत पढ़ चुके हैं।